है छपरा से तस्वीरें नजर आई, जहां पर बूथ नंबर 318 और 319 पर रोहिणी आचार्य अपने तस्वीर तमाम जगहों का भ्रमण कर रही थी और उस वक्त 318 और 319 नंबर बूथ पर वो तमाम चीज़ें देख रही थी। इस बीच दोनों पक्ष के बीच जो है वो झड़प हुई, कह सकते हैं कि हूटिंग हुई है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता और आरजेडी कार्यकर्ता दोनों आपस में भिड़ गए। उसके बाद ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि ये हिंसा आज जाकर कह सकते हैं कि भड़क उठी। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर 3 राउंड गोली चलाई गई, जहां पर कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि पिछले 4 चरणों में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, लेकिन 5वें चरण में जो तस्वीरें नज़र आई हैं कहीं ना कहीं ज़रूर सवाल खड़ा कर रही हैं कि ऐसी तस्वीरें क्यों हो सकती हैं। क्योंकि JDU ने साफ कहा है कि वहाँ पर भोला यादव क्या कर रहे थे, जबकि भोला यादव वहाँ पर ना तो उम्मीदवार है ना उनका घर है, वो दरभंगा से आते हैं, तो वो सारण में क्या कर रहे थे, जानबूझकर हिंसा को भड़काया गया है। तो वहीं रोहिणी आचार्य ने भी साफ कहा है, रोहिणी आचार्य का कहना है कि बीजेपी मुझे मरवाना चाहती थी, गुंडे की पार्टी है, तो इस तरीके का बयानबाजी जो है वो शुरू हो गया। लेकिन अगर छपरा की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल वहाँ पर धारा 144 लागू किया गया है, जहाँ पर यह घटना हुई थी, यानी कि भिखारी ठाकुर के चौक से इर्द गिर्द अगर तस्वीरों की बात की जाए तो वहाँ पर धारा 144 लागू किया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है, ताकि इस तरीके का हरकंप जो है वो ना फैले, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल ना हो। 2 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है, पटना के PMCH में एडमिट कराया गया है, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, सभी लोग जो है वहाँ उनसे मिलने गए हैं। और रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा बयान दिया, साफ कहा है कि एक हताशा की वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मुझे मारना चाहते थे, बीजेपी गुंडे की पार्टी है। उत्कर्ष, ऐसे में रोहिणी आचार्य का एक तरफ बयान आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हताश है उसकी वजह से, या कुछ ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी करवा रही, तो वही दूसरी ओर JDU का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो बाहरी लोग हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो ऐसे में लगातार सियासत जो है वो भी कहा जा सकता है कि शुरू हो गई है। उत्कर्ष, बिल्कुल, देखिए सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि अगर सारण की बात की जाए तो ये एक वक्त रहा है जब लालू परिवार का घर रहा है, यहीं से संसदीय जीवन की शुरुआत लालू यादव ने की थी, कई बार सांसद भी बनकर आए, लेकिन कुछ साल बाद ये घर टूट गया, बीजेपी यहाँ से फतेह हासिल की, राजीव प्रताप रूड़ी यहाँ से सांसद बने, मंत्री बने, इस बार भी उम्मीदवार हैं, और लालू परिवार लगातार कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है उस सीट को अपनी तरफ करने के लिए, और इस बार लालू यादव की बेटी ही चुनाव में उतर गई, रोहिणी आचार्य, इससे पहले राबड़ी देवी, चंद्रिका राय, ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो RJD कोटे से चुनाव लड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, गुंडा राज जो है वो स्थापित करने की कोशिश है, तो RJD का और JDU का कहना है, RJD साफ कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है और मुझे मारने की कोशिश है। वहीं JDU का कहना है कि जो तस्वीरें नज़र आई हैं, कल भोला यादव क्या कर रहे थे, प्रत्याशी के तौर पर रोहिणी आचार्य ज़रूर जा सकती हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के अलावा कोई प्रतिनिधि वहाँ बूथ पर नहीं जा सकता था, ये बूथ संख्या 318 और 319 था, जहाँ पर ये हरकंप हुई, ये झड़प हुई, झड़प का तस्वीर जो है इस तरह इस कदर वायरल हुआ। लेकिन उत्कर्ष, ऐसे में रोहिणी आचार्य का जो बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि उनके साथ गाली गलौज भी की गई है, अभद्रता भी की गई है, और ऐसा रोहिणी आचार्य का कहना है, और इसको लेकर क्या कुछ JDU या फिर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उत्कर्ष, अब बिल्कुल, देखिए रोहिणी आचार्य का बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है, हालांकि बीजेपी और JDU ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन रोहिणी आचार्य की बातों से ये ज़रूर समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं एक डर जो है वो रोहिणी आचार्य के मन में नज़र आ रहा था, चेहरे पे नज़र आ रहा था, शिकस्त नज़र आ रही थी, क्योंकि कल जो तस्वीरें आईं कहीं ना कहीं परेशानी का सबक है। रोहिणी आचार्य उस वक्त अकेले थी, सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन जिस तरीके की झड़प हुई ऐसा लग रहा था कहीं कोई चोट भी हो सकता था, चोट भी आ सकती थी, चोटिल भी हो सकती थी, लेकिन रोहिणी आचार्य ने साफ कहा कि उन पर हमला नहीं किया गया, लेकिन कोशिश ज़रूर थी। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार नहीं किया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये माना जा रहा है कि आज ये चर्चा का विषय रहेगी, और बिहार की कह सकते हैं चर्चित बातों में एक ये बात ज़रूर रहेगी कि क्योंकि रोहिणी आचार्य का जो बयान है, रोहिणी आचार्य ने साफ कहा कि बीजेपी ने हमला करवाया है, और एक व्यक्ति की जिसकी मौत हुई है वो माना जा रहा है RJD के कार्यकर्ता हैं, और जो लोग जख्मी रूप से घायल हैं वो भी RJD के कार्यकर्ता हैं।